नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में। शेख चिल्ली का मकबरा देखने में कुछ हद तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर के बारी क्षेत्र में एक ऊंचे टीले पर निर्मित है और देखने में यह मकबरा बहुत ही खूबसूरत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। शेख चिल्ली एक सम्मानित सूफी संत, प्रसिद्ध विद्वान और आध्यात्मिक शिक्षक थे और यह भी कहा जाता है कि शेख चिल्ली मुगल शहजादे दारा शिकोह के धार्मिक गुरु थे। अब्द उर रहीम या अब्द उर करीम शेख चिल्ली का पूरा नाम है। अब इस मकबरे से जुड़ी कुछ रोचक बातें इस प्रकार हैं। ऐतिहासिक है, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह स्मारक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस मकबरे को देखने के लिए सैलानी देश विदेश से आते हैं और भारतीय नागरिकों के लिए एंट्री फीस 15 रुपए जबकि विदेशी सैलानियों के लिए 200 रुपए है। इस मकबरे में स्थित पुरातत्व संग्रहालय आकर्षण का केंद्र है, जिसमें खुदाई के समय प्राप्त हुए अवशेष व मूर्तियों को बड़ी सजावट के साथ रखा गया है और यह संग्रहालय शुक्रवार को बंद रहता है। और इस मकबरे का प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर से है। प्रवेश करते ही आपको सीढ़ियों से अंदर जाना होता है और वहां पर आपको एक हरा भरा बागान, एक बगीचा देखने को मिलेगा जो काफी सुंदर है और उस बगीचे के बीच में एक वर्गाकार तालाब निर्मित है और मदरसे के प्रत्येक और 9 मेहराब बने हैं। अष्टभुजी चबूतरे पर निर्मित यह मकबरा हल्के पीले बलुए पत्थरों से निर्मित है। इसका नाशपति नुमा गुबंद सफेद संगमरमर से वांछादित है और मकबरे के प्रत्येक और प्रवेश द्वार की भांति मेहराब बने हैं जो कि संगमरमर निर्मित जालियों से सुसज्जित हैं। चारों तरफ 12 छतरियां बनी हुई हैं जिनके गुबंद पर हरे, नीले एवं जामनी रंग की चमकदार टाइल्स के अवशेष देखे जा सकते हैं। शेख चिल्ली की कब्र अष्टभुजी कमरे के मध्य में निर्मित है जबकि वास्तविक कब्र उसके ठीक नीचे के कक्ष में बनी है जिसका प्रवेश मदरसे के एक संकरे गलियारे से होकर जाता है। और इस मकबरे के बगल में ही छत पर पश्चिमी भाग में बलुआ पत्थरों से निर्मित एक अन्य छोटा मकबरा है जिसका बेलनाकार गुबंद सफेद संगमरमर से आच्छादित है और इसमें शेख चिल्ली की पत्नी की कब्र है। और यह मकबरा देखने में काफी सुंदर है और इसको देखने के लिए पर्यटक हर समय यहाँ मौजूद रहते हैं। और इसका जो आकर्षण का केंद्र है, इस मकबरे के मध्य में जो स्थित है एक बागीचा और बागीचे के बीच में वर्गाकार तालाब। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।